पर शाम 6 बजे बैठक। पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम, बोले अखिलेश यादव। कोरोना से देश में 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 202 अंकों के साथ खुला। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और अलीगढ़ एडी हेल्थ सुरेंद्र उपाध्याय ने स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में अचानक पहुंचने पर अधीनस्थों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एडी हेल्थ ने इमरजेंसी में जाकर फार्मासिस्ट को जमकर फटकार लगाई और रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया। वहीं सीएससी अधीक्षक कुलदीप राजपुरी को व्यवस्थाएं और बेहतर बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही अस्पताल की सभी कमियां दूर करने के भी आदेश दिए। बता दें कि इग्नास स्वास्थ्य केंद्र कभी इमरजेंसी में डॉक्टरों की कमी तो कभी दवाओं के अभाव और डिलीवरी के नाम पर धन उगाही के लिए विख्यात है। यहाँ पर सीसी का औचक निरीक्षण किया गया है और काफी कमियां हैं और मेरी कोशिश है कि इनको मैं सुधार के जाऊँ। जितने भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसी में चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बाकी तो लेडी डॉक्टर और बच्चों के डॉक्टर इनकी तो पूरे प्रदेश में कमी है, तो कोशिश करते हैं सुविधाएँ बढ़ा देते हैं। और अगर डॉक्टर भी अभी 3600 डॉक्टरों का अभी हरियाचन हुआ है। आगरा में ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाती अस्पताल संचालिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के लिए अस्पताल संचालिका गुहार लगा रही है। ये वीडियो 25 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। अस्पताल संचालिका डॉक्टर तुलिका ने प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसको देख जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन की कमी ना होने के दावों की पोल खोल रहा है। प्रतापपुरा स्थित आगरा कार्डियक सेंटर की ये संचालिका है। तो अस्पताल की डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किस तरह से महिला गुहार लगा रही है। 5 सिलेंडर दे देंगे, मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी, प्लीज तब तक आप मरीजों को बस उनका सपोर्ट भिजवा दीजिए, लाइफ सपोर्ट। उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहे करें, मैं उसके बाद ताला लगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ सर कि मेरे सेंटर पे, आगरा मेडिकल एंड कार्डियक रिसर्च सेंटर पे गैस खत्म हो चुकी है, हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए। मेरा आदमी वहां पे 4 बजे से खड़ा हुआ है, मुझे आज 50 सिलेंडर पे सिर्फ 27 सिलेंडर मिला था और 50 मरीजों पे मैंने 27 सिलेंडर पे काम किया है। मैंने अंबू बैग मंगवा लिए हैं, मुझे पता है आप लोग नहीं गैस भेजेंगे। मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है सर, 23 सिलेंडर है उसके पास सर, प्लीज मुझे भिजवा दीजिए। बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत यंग बच्चे हैं मेरे पास, 27 साल के, 30 साल के। प्लीज सर, बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज निकाल दीजिए। मरने का वेट नहीं करिए कि मरने के बाद आप निकालना शुरू करेंगे और मुझे एहसान में 5 सिलेंडर दे देंगे, मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी, प्लीज तब तक आप मरीजों को बस उनका सपोर्ट भिजवा दीजिए, लाइफ सपोर्ट। उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहे करें। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले तो क्या पूरा मामला है, किस स्थितियों में इस जो नर्स डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है उसके पीछे का क्या कुछ पूरा कारण नजर आ रहा है। जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आगरा में जो पारस हॉस्पिटल के द्वारा जो मॉकड्रिल जो किया गया था, मौत का मॉकड्रिल जिसको हम कहेंगे, जो मॉकड्रिल किया गया था, उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी द्वारा यही कहा जा रहा है कि आगरा के अंदर ऑक्सीजन को लेके कहीं भी कोई किल्लत नहीं हुई थी। जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं ये उसी का रिएक्शन है जो जिलाधिकारी द्वारा, जो अपना बचाव पक्ष में जो अपना कहा जा रहा है कि आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी। तो ये वीडियो जो वायरल किया है, ये हॉस्पिटल संचालिका है, इनका आगरा में कॉर्डिनेट सेंटर चलता है, जिन्होंने ये वीडियो जो बताया जा रहा है वो 25 अप्रैल का बताया जा रहा है और हाथ पैर जोड़कर और रोती बिलती जो लैंग्वेज भाषा इन्होंने जो बोली है उसमें इन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत की बात कही है और ये रिक्वेस्ट भी की है कि मेरा बंदा वहाँ खड़ा हुआ है प्लांट पर लेकिन वहाँ से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो साफ जाहिर है जिस तरीके से जिलाधिकारी बार बार
यही बोलने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि आगरा के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत अप्रैल के माह के जो अंतिम जो सप्ताह था उसमें नहीं थी, तो वहीं कहीं ना कहीं जो सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन वीडियो का जो अगर हम जोड़ के देखा जाए तो रिएक्शन वही है कि जो ये बताना चाहते हैं कि जिलाधिकारी का जो बयान है वो गलत है और उस अप्रैल के जो आखिरी सप्ताह जो था उसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। वीडियो के वायरल होने के बाद क्या इसके खिलाफ जिलाधिकारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार मीडिया कर्मी और हम लोग भी वहां जाकर बार बार उससे पूछा जा रहा है जिलाधिकारी से कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उनका वही रटा रटा ये जवाब है कि ये जो वीडियो है इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और रही बात ऑक्सीजन किल्लत की, ऑक्सीजन किल्लत हमारे आगरा में बिल्कुल नहीं थी, सबके पास अवेलेबल और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि एक बार फिर अधिकारी अपनी नाक बचाते हुए वो कहीं ना कहीं दूसरों पर आरोप मार देते हैं, जैसा कि नजारा हमने कुछ दिन पहले पारस हॉस्पिटल का देखा था जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते जब मॉक ड्रिल किया गया तो उसमें 22 लोगों की जान चली गई। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर हेल्पलेस होकर गुहार लगा रही है। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं जिला अधिकारियों के ग्रुप से वायरल हुआ है, क्योंकि उस ग्रुप में ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बार बार की सिलेंडर दिलवा दिए जाए, क्योंकि जो लोग उनके अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जान पर खतरा बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और तमाम अधिकारी सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे और आगरा से ही, आगरा कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया जहां कानपुर से आगरा आ रही रोडवेज बस सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से टकरा गई, जिसमें बस सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या घटना हुई है? ये घटना कैसे हुई है, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक्सीडेंट बस और ट्रक से हुई है। केबी करीब हुआ है? अरे हुआ है करीब 3:30 बजे बीच में। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? घायल सर सभी हैं, सवाल टोटल घायल तो सब। रायबरेली जनपद में अभी 10 दिन पूर्व करोड़ों की लागत से बनी सड़क धसने से एक तरफ जहां बड़ा हादसा होने से बचा तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों की पोल खुल गई। ये वही सड़क है जो कि अभी कुछ दिनों पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य की शादी से पहले रात दिन एक कर तैयार की गई थी, जिसके चंद दिनों में ही नवनिर्मित डामर रोड धस गई जिससे कि ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मानक के विपरीत बनी डामर रोड सरकार की छवि पर लगातार उंगली उठा रही है। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या कुछ पूरा मामला है, कब से ये सड़क का निर्माण हुआ था और कितने दिन बाद इस सड़क के धसने की ये खबर आई है? बारिशों की वजह से क्या ये सड़क धस गई? नहीं, बारिशों की वजह से ये सड़क नहीं धसी है। केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य की शादी थी, उसी शादी के निजी हित कह लिया जाए या जल्दबाजी कह लिया जाए पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये सड़क बनाई गई थी जो जगतपुर से सलवन मार्ग है, वहां पर एक गांव पड़ता है पिछवाड़ा, वहां पर इनकी शादी थी। लेकिन भ्रष्टाचार की हद खत्म हो गई है, इतनी जल्दबाजी में मानक के विपरीत सड़क बनाई गई और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई गई है। और आज मुश्किल से 10 से 12 दिन ही हुए हैं कि एक ट्रक जो है वो जा रहा था और सड़क धसने से वो पलट गया है। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ है मानक के विपरीत सड़क बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से सड़क के कितने खस्ता हाल है। हालांकि जब मंत्री का फोन जाता है तो तत्काल प्रभाव से कार्य तो कर दिया जाता है, क्योंकि भैया बेटे की शादी थी तो रोड बनाना भी जरूरी था, क्योंकि उस रास्ते से बारात जाती। लेकिन बारात चली गई और उसके बाद अब उस रोड के क्या हाल है, इसको बयां करती हुई अभी आपने देखी हमारी ये खास खबर। वहीं बढ़ते आगे और शाहजहांपुर के फतेहगंज पूर्वी के नई कॉलोनी निवासी रामप्रकाश दीक्षित की बेटी प्रीति का विवाह कलाम की पाइपलाइन कॉलोनी निवासी शकुन चतुर्वेदी के साथ 10 साल पहले हुआ था। 3 बेटे भी हैं। मायके वालों ने बताया कि किसी अन्य महिला के साथ शकुन के संबंध है। इसका
प्रीति विरोध करती थी, जिसके बाद शकुन उसे पीटता था। आरोप है कि रात में शकुन ने अपनी पत्नी प्रीति के साथ मारपीट की, इसके बाद उसने प्रीति की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रीति की मौत के बाद शकुन ने तीनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ फरार हो गया। प्रीति की मौत की खबर पड़ोसियों ने मायके वालों को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 9/6/2021 को कस्बा कलान में एक महिला प्रीति, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना पर पंचनामा की कार्रवाई की गई है। परिजन हत्या का आरोप मृतक के पति और ससुराली जनों पर लगा रहे हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, पोस्टमार्टम पैनल के माध्यम से किया जा रहा है। रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल मिलक थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों को गोली लग गई। वहीं पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। ये रात को मिलक बिलासपुर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, हमारा अभियान भी चल रहा था गौ तस्करी और गौ पशुओं के खिलाफ। तो उसमें चेकिंग में गाड़ी को रोकने का कोशिश किया गया, तो उसने बैरियर तोड़ के भागी। तो उसका पीछा करके जब रोकने का पुलिस वहाँ तक पहुँची, तो उसमें लोगों ने फायर किया पुलिस पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, तो उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, पैर में उनकी गोली लगी। ये तौसीफ सनफ उस्मान कुरैशी और अकरम, तो ये मौके पर इंजर्ड थे। इन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया, अभी दोनों स्टेबल हैं और रेफर हो गए हैं। इसके साथ साथ 4 लोग और थे इनके साथ, जो जंगल की तरफ भागे। प्रतापगढ़ में एक शख्स ने युवक पर उसकी बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। शख्स ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि डोमीपुर के एक युवक उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गए और 3 महीने तक जबरन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों के दबाव बनाने पर बीते 26 मई को आरोपी उसकी बेटी को कोतवाली के महिमापुर गाँव के पास छोड़कर भाग गए। साथ ही पुलिस ने शिकायत करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामले को लेकर कोतवाल रणजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बोला कि यहाँ पे आओ सर, वहाँ ले गए कुंडा, उसके बाद वहाँ एक औरत थी, वहाँ मेरे कमरे बंद कर दिए थे, कहीं जाने नहीं दे रहे थे सर। उसके बाद हम ले गए दिल्ली, उसके बाद वहाँ गलत कार्रवाई हुई, उसके बाद बोला कि मेरे पास औरत नहीं है, उसकी शादी हुई है। जो अपने घर पे लाए तो उसकी एक बीवी है, उसके एक बच्चे हैं। साहब इनके साथ जो है ये लड़का डोबीपुर का है, ये रास्ता से उठा लिया था जी। इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दी है? ये यहाँ भी थाने भी में दिए साहब। तो क्या कहे जब थाने आपने सूचना दिया, तो अधिकारी क्या बोले? अधिकारी बोला कि उसको हम पकड़ेंगे, मुलजिम को जी। दरख्वास्त दिए जी, दो बार दिए। तो कितनी दफ़ा आपने दरख्वास्त दिया और कितने दिन पहले दिया था? हो गया 20-25 दिन पहले दरख्वास्त। 20-25 दिन में अब तक क्या? मुरादाबाद में युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मजौला थाना क्षेत्र के मंडी समिति में 5 जून को फायरिंग और बम हमले में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर किया गया था, जहां इलाज के दौरान आज युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में गन्ना किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसानों का कहना है कि उनका करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान बाकी है, जिसके चलते राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों किसान हिंदुस्तान मिल परिसर में बीते 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि गन्ने का भुगतान न मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब अगर जल्द ही पैसा ना मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। समस्या भुगतान की है जो पिछले तकरीबन 7-8 वर्ष से बजाज ग्रुप से चल रही है, इसकी लायबिलिटी तकरीबन 33 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी जो आज बढ़ के 349 करोड़ हो गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह धरना शुरू किया है, क्योंकि ये मिल प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। वो
हमको ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात कर रहा है, कभी कह रहा है 2 करोड़ ले लो, कभी 3 करोड़ ले लो, जबकि हमारा इनके ऊपर 349 करोड़ बकाया है नए 70 का। तो भाई हम 349 करोड़ की मांग कर रहे हैं, हमको 2 करोड़ दे रहे हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बजाज ग्रुप जो है चीनी मिल, ये एकदम कैंसर की बीमारी की तरह हो गया है किसानों के लिए। अब ना ही इसको इलाज हम करा पा रहे हैं, ना ही इस कैंसर ये हमारा ठीक हो रहा है। आए दिन बजाज ग्रुप के अंदर हर फैक्ट्री चीनी मिल थोड़ा बहुत परमिट देती रहती हैं, जो बजाज ग्रुप जो चीनी मिल है यहाँ के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपये का बकाया है, जो कि किसान अपना घर बार छोड़ करके महामारी कोरोना जैसी बीमारी में मिल के ऊपर रोडों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार के कान में कहीं से कहीं तक जुड़ रही नहीं रहा है। जो कि इस समय किसान के पास खाद दूनी रेट में हो गई है, डीजल दूना रेट महंगा हो गया है, आय गन्ने की वही रेट है 5 साल से, जो कि हम लोगों की डिमांड थी पिछली गवर्नमेंट में, हम लोग चीनी किसानों को दिया करते थे तो जिससे हम लोगों किसानों का परिवार हम लोगों गुजारा हो जाता था, मगर इस सरकार में चीनी भी बंद कर दिया गया है और एक महीने में एक दिन का पेमेंट देते हैं और उस पर से बहुत ही ज्यादा। बस्ती में अतिक्रमण हटवाने को लेकर चौकी इंचार्ज और ईओ की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां चौकी इंचार्ज ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे गरीबों की टोकरियों को कूड़ा गाड़ी में फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौकी इंचार्ज और ईओ की बर्बरता के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश है, जिसको लेकर एसपी का कहना है कि एसडीएम और सीओ की टीम गठित कर दी गई और मामले की जांच की जा रही है, टीम की जांच रिपोर्ट के बाद ही दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 8 जून को मैं शाम को 5:30 बजे नगर पंचायत बबनान के अरसासी अधिकारी द्वारा वहाँ की सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी। वहाँ के चौकी इंचार्ज और अधिशासी अधिकारी के द्वारा सब्जी मंडी में सड़कों पर ठेला लगा लेने की वजह से जो अतिक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से रास्ता पूर्ण रूपेण जाम हो गया था, उन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी विस्तृत जाँच करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं एसडीएम हरैया और सीओ हरैया को मौके पर भेजा गया है, जिनके द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट देने पर जो यदि इसमें कोई दोषी पाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग रहा है, जिन्हें हर दिन की कमाई से ही अपना और अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। ऐसे श्रमिकों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उनके खाते में 1,000 रुपए भेजने का निर्णय लिया था और एक दिन पहले ही सीएम योगी ने 30,20,000 श्रमिकों के खातों में 232 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। आजमगढ़ मंडल के उप श्रम आयुक्त रोशन लाल ने बताया कि आपदा राहत की तीसरी किस्त भेजी जा रही है, जिसमें 74,043 श्रमिकों के डाटा को प्रोसेस करके भवन सनिमान कल्याण बोर्ड को भेजा गया था। जल्द ही श्रमिकों के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। ये आपदा राहत की तीसरी किस्त निर्माण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदान की गई है। आजमगढ़ से 74,043 श्रमिकों का डाटा प्रोसेस करा करके भवन सन्निर्माण कल्याण बोर्ड को लखनऊ को भेजा गया है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 74,043 श्रमिकों के खातों में सीधा पैसा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।